हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास सीरीज का आज मेरा यह नवा लेक्चर है। इसके पहले मेरे आप पिछले 8 लेक्चर देख चुके होंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के केंद्र में रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के विकास को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले की हिंदी आलोचना, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। इसके बाद शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय की हिंदी आलोचना है यह। इसके बाद शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की हिंदी आलोचना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की जो हिंदी आलोचना है वह कई धाराओं में विभाजित हो गई थी। पहला है स्वच्छंदतावादी आलोचना, फिर ऐतिहासिक आलोचना, फिर मार्क्सवादी आलोचना, फिर मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, फिर नई समीक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हिंदी साहित्य की जो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, यह मुख्यतः जो पाश्चात्य फॉरेन के जो 3 बहुत महान मनोविश्लेषणवादी हुए हैं, मनोवैज्ञानिक फ्रायड, एडलर और जूम, तो उनके मनोविश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर भारतीय साहित्य की जो समीक्षा की जाती है उसे कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। तो चलिए देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक आलोचना क्या है। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के सिद्धांत के अनुसार काव्य सृजन कवि के सामाजिक दायित्व का परिणाम नहीं वरन उसकी प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित है। मतलब कोई साहित्यकार जब साहित्य के सृजन में संलग्न होता है तो उसके मन में समाज के प्रति कोई दायित्व बोध नहीं होता कि वह समाज का कल्याण करना या कुछ करना है, बल्कि मनोविश्लेषणवाद के आधार पर जब कोई साहित्यकार किसी कृति की रचना करता है तब वह मुख्य रूप से जो उसके प्रवृत्तियां हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो उनके फीलिंग्स और इमोशंस हैं पर्सनल, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके आधार पर वह प्रेरित होता है। काव्य के पात्र, वर्ण, विषय, शैली आदि सभी वस्तुओं पर दमित इच्छाएं अथवा प्रभुत्व की कामना और जीवित रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति ही कलाकृति के स्वरूप का निर्धारण करती है। तो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के आधार पर जो व्यक्ति के मन में दमित इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई, जो प्रभुत्व की कामना है, किसी चीज को हासिल करने की जो प्रवृत्ति है और जीवित रहने की इच्छा है जिसे जिजीविषा कहते हैं, इसकी अभिव्यक्ति ही कलाकृति के स्वरूप का निर्धारण करती है। इस तरह मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी गई है। तो मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में यह देखा जाता है कि जो कवि या कलाकार है उसका व्यक्तित्व कैसा है और क्या किस प्रकार उसने अपने व्यक्तित्व को कला के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। अतः रचना को ठीक ठीक समझने के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक समझा गया। मतलब यदि किसी रचना को आपको ठीक ढंग से समझना है तब पहले उस कलाकार या कवि या लेखक या उपन्यासकार के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। दरअसल पश्चिमी मनोविश्लेषणवादियों जैसे फ्रायड, एडलर और यूंग ने साहित्य प्रेरणा के 3 सिद्धांतों की चर्चा की है। जो पश्चिमी जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, फ्रायड, एडलर और यूंग, उनका कहना है कि किसी भी साहित्य की प्रेरणा 3 बातों पर निर्भर करती है। इन 3 चीजों से साहित्यकार साहित्य की रचना करने के लिए प्रेरित होता है। पहला है काम वासना या दमित इच्छाएं, दूसरा है प्रभुत्व की कामना, प्रभुत्व मतलब कुछ हासिल करना, इसके बाद जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा। इन सिद्धांतों ने पश्चिमी जगत में तहलका मचा दिया था। तो ये जो 3 सिद्धांत है इन्होंने पश्चिमी जगत में तहलका मचा दिया। पश्चिमी जो साहित्य है या पश्चिमी साहित्य शास्त्र है वह मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला जैसे कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, उसके बाद डार्विन का विकासवाद है और फ्रायड, एडलर और जूम का मनोविश्लेषणवाद है। इसमें भी फ्रायड सबसे प्रमुख है। तो इसने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है। हिंदी में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे और पंडित इलाचंद्र जोशी के उपन्यास इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित हैं। तो जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे की आपने रचना पढ़ी होगी, शेखर एक जीवनी, तो ये उसी पर आधारित है। पंडित इलाचंद्र जोशी के जो उपन्यास वगैरह हैं यह सब इसी विचारधारा पर आधारित है। यूं तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा शैली के दर्शन शुक्ल जी से लेकर परवर्ती काल के सभी आलोचकों में होते हैं। मतलब
केवल आचार्य रामचंद्र केवल वर्तमान समय में बस मनोविश्लेषणवादी आलोचना नहीं होती है, बल्कि मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा शैली के दर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर उनके बाद के सभी आलोचकों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। पर मनोविश्लेषणात्मक शैली की समालोचनाएं हिंदी में बहुत कम है, मतलब मनोविश्लेषणवाद के आधार पर बहुत ही कम रचनाओं की हिंदी साहित्य में समीक्षा की गई है। नगेंद्र जी ने मनोविश्लेषणवादी साहित्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत मूल्यांकन भी किया है, लेकिन वे मूलतः नूतन रसवादी हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने मनोविश्लेषणवादी आलोचना के आधार पर कुछ कृतियों की आलोचना तो की है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें क्या माना जाता है, नूतन रसवादी। नूतन मतलब नए, आधुनिक समय के रसवादी चिंतकों में इन्हें माना जाता है। इसके बाद मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय इलाचंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय है। तो वर्तमान समय में जो मनोविश्लेषणात्मक जो समीक्षा है, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा है, इसमें तीन प्रमुख नाम है, अज्ञेय इलाचंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अब हम देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका क्या योगदान है। अज्ञेय जी ने विशेषता एडलर प्रभुत्व कामना को अपनाया। एडलर का सिद्धांत है प्रभुत्व की कामना, प्रभुता हासिल करना, वर्चस्व हासिल करना, इसको अपनाया है। इनका समन्वित रूप ही इन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने अपने त्रिशंकु नामक निबंध संग्रह में प्रभुत्व कामना और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मतलब व्यक्ति में यदि कुछ कमी रह जाती है, कुछ उसके व्यक्तित्व में कुछ कमी है, तो वह कला के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है जिसे हम सूरदास कहते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे, अब व्यक्ति अंधा व्यक्ति तो क्या करेगा, वो गाना गाता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में या बस स्टॉप में कहीं पर जो भीख मांग करते हैं गाना गाते रहते हैं, या फिर जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता किसी न किसी प्रकार से वे उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोई कलाकार होते हैं, कोई वैज्ञानिक होते हैं, कोई और कुछ उठाते हैं। तो इन्होंने त्रिशंकु नामक निबंध में इसका वर्णन किया है, प्रभुत्व की कामना और क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। तो यह त्रिशंकु किसकी कृति है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर यूजीसी नेट में। अज्ञेय जी ने त्रिशंकु के निबंध कला का स्वभाव और उद्देश्य में लिखा है, हमारे कल्पित प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है, उसे एक नई उपयोगिता सिखाई है। पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला चेष्टा ऐसा ही विद्रोह रही होगी। मतलब हमारा कोई कल्पित प्राणी, हमारे मन में कोई एक व्यक्ति, हमारा कोई व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा है जिसको क्या है, समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, या हमें कुछ कमी है जिसको समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए कलाकार अपनी कृति के माध्यम से उस कमी को, उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का प्रयास करता है, और इसके लिए उसके मन में विद्रोह होता है। जैसे शेखर आप जीवनी में आप देख सकते हैं उनकी उनके उपन्यास में। तो पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, कोई विद्रोही व्यक्तित्व रहा होगा, जो प्रभुत्व की कामना से, लोकप्रियता की कामना से, अथवा अपने व्यक्तित्व में किसी कमी को पूरा करने के लिए वह कला के क्षेत्र में उतरा होगा और उसने किसी कृति की रचना की होगी। अज्ञेय ने अपनी कविता की व्याख्या के साथ ही अपने कुछ समकालीन कवियों के रचना कर्म का मूल्यांकन भी किया है। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद के आधार पर अपनी कविता की भी व्याख्या की है, और अपने कुछ समकालीन रचनाकार हैं, कुछ कवि हैं, उनके रचना कर्म की भी, उनका भी मूल्यांकन किया है, उनकी आलोचना की है। उनके द्वारा संपादित तार सप्तक की भूमिका हिंदी आलोचना में एक प्रस्थान बिंदु है। उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था, पता है उसमें 7 कवियों के रचनाओं को उन्होंने स्थान दिया था, तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, इसका इन्होंने संपादन किया था। अन्य कवियों की रचनाओं को लेकर इन्होंने इस कृति की रचना की थी, उनका संपादन किया था। तो तार सप्तक की जो भूमिका है, यह टर्निंग पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है, मतलब टर्निंग पॉइंट है। दूसरा सप्तक, तीसरा पुस्तक की भूमिकाएं भी विचार विमर्श के केंद्र में रही है। इन्होंने तार सप्तक की भूमिका लिखी, दूसरा सप्तक की भूमिका लिखी, तीसरा सप्तक की भूमिका लिखी, तो इन सब पर लंबे समय से विचार विमर्श होता रहा है हिंदी साहित्य में। उन्होंने कविता में शब्द और अर्थ दोनों क्षेत्रों में प्रयोग पर बल दिया है, मतलब कविता में नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और नए नए अर्थ का निर्धारण किया जाना चाहिए, है ना। मतलब शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, सामान्य अर्थ होता है, लेकिन वास्तव में जो शब्दों का अर्थ होता है वह प्रसंग के अनुकूल होता है, कि किस प्रसंग में हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर उसके अर्थ का निर्धारण होता है। तो अज्ञेय का कहना था कि कविता में नए नए शब्दों का, नए नए प्रतिमानों का, नए नए उपमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और
नए नए अर्थ के प्रयोग पर भी उन्होंने बल दिया। तो इन्हें आप प्रयोगवादी कह सकते हैं, प्रयोगवादी कवि। उनके साहित्य चिंतन को समझने के लिए आत्मनेपद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब साहित्य के संबंध में उनके क्या विचार हैं, आलोचना के संबंध में उनके क्या विचार हैं, इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको आत्मनेपद का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। काव्य की रचना प्रक्रिया और संप्रेषणीयता के संबंध में उनका चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब काव्य की रचना प्रक्रिया किस प्रकार की होती है ना, कोई भी रचना किन किन स्टेजेस से गुजरती है, किन किन चरणों से गुजरती है, काव्य की रचना प्रक्रिया क्या होती है, और संप्रेषणीयता कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब क्या रचना अपने उद्देश्य को संप्रेषित करने में सफल हो पाई है कि नहीं। यदि इन सबको समझना है तब हमको आगे के चिंतन को समझना पड़ेगा। अब दूसरे हैं पंडित इलाचंद्र जोशी। जोशी जी के कला विवेचन और आलोचना में फ्रायड और एडलर के सिद्धांतों का उपयोग हुआ है। यदि आप फ्रायड, एडलर और जूंग के सिद्धांतों को आप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मनोविश्लेषणवाद के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वह लेक्चर आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद क्या है। जोशी जी के काव्य का चरम लक्ष्य सौंदर्य। जोशी जी ने काव्य का चरम लक्ष्य सौंदर्य माना, जिसमें मंगल भावना भी निहित है। मतलब उन्होंने क्या माना, काव्य का चरम लक्ष्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, सौंदर्य की भावना। मतलब उसमें सौंदर्य की भावना होनी चाहिए, सौंदर्य पर लक्षित होना चाहिए, लेकिन वह सौंदर्य कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, जिसमें मंगल की भावना निहित होनी चाहिए, लोगों के कल्याण की भावना भी निहित होनी चाहिए। वे मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का उद्देश्य यह अध्ययन करना मानते हैं कि इस कलाकार के व्यक्तित्व में स्वस्थ साहित्य सृजन की कितनी क्षमता है और कैसे है। मतलब मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का उद्देश्य क्या है उनके अनुसार से, उनका मानना है कि कोई कवि उसमें साहित्य से अच्छे साहित्य के सृजन करने की कितनी क्षमता है और किस प्रकार की क्षमता है। इस तरह जोशी जी ने सामंजस्य के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। काव्य का उद्देश्य वे जीवन शक्ति प्रदान करना मानते हैं, मतलब जिजीविषा मानते हैं। मतलब काव्य ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दे, उनके मन में जिजीविषा उत्पन्न करे, जीवन के प्रति एक लक्ष्य उत्पन्न करे। काव्य का उद्देश्य वे जीवन शक्ति प्रदान करना मानते हैं, इसलिए छायावाद की विलासिता और पलायनवादी प्रवृत्ति के तथा प्रगतिवाद के नग्न यथार्थ के घोर विरोधी रहे। छायावाद में पलायनवाद थे कि दुनिया से पलायन करके आप प्रकृति की शरण में चले जाए या कहीं और चले जाए, विलासिता मतलब सिर्फ अपने मन की बातों को और आत्म केंद्रिकता की जो प्रवृत्ति थी उस समय, और प्रगतिवाद का नग्न यथार्थ के घोर विरोधी रहे। प्रगतिवाद तो पूरी तरह मार्क्सवाद पर आधारित था कि जो समाज का जो नग्न यथार्थ है, जो समाज की सच्चाई है, उसको उसी रूप में व्यक्त करना है, इसके वे घोर विरोधी रहे। जोशी जी ने साहित्य सर्जना, विवेचना, साहित्य संतरण, विश्लेषण और साहित्य चिंतन में संग्रहित निबंधों में मनोविश्लेषण को प्रमुखता प्रदान की है। खासकर UGC नेट में आजकल यह पूछा जाता है कि यह कृति किस आलोचक की है, और यह एक सीरियल ऑर्डर में जमाने के लिए भी आता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में क्या है इनका वर्ष का भी उल्लेख कर देता हूँ। आप भी जब भी नोट्स बनाते हैं तो कोई भी कृति के बारे में आप लिखते हैं तो ब्रैकेट में आप जरूर उस कृति के रचना काल का जो वर्ष है उसका जरूर उसका उल्लेख करें। साथ ही यदि आप लेखकों, कवि, आलोचकों के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उनका जो जीवन काल है, जन्म और मृत्यु का जो वर्ष है उसका उल्लेख करें, यह आगे आपके बहुत काम आएगा। तो ये मनोविश्लेषणवादी आलोचक में इनकी क्या क्या कृति हमने देखा। डॉक्टर देवराज उपाध्याय भी बहुत ही प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक आलोचक हैं। डॉक्टर देवराज ने मनोविज्ञान के संदर्भ में आलोचना ग्रंथों की रचना की है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने अपने शोध प्रबंध, इनका जो रिसर्च पेपर था, इसमें लिखा है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। तो यह इनका रिसर्च का सब्जेक्ट था, PhD कर रहा होगा, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान भी इन्होंने संभवतः PhD की है। मैं मनोविश्लेषण के आधार पर कथा साहित्य की आलोचना की है। तो इनका जो शोध प्रबंध है, शोध ग्रंथ है, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने मनोविश्लेषण के आधार पर कथा साहित्य की आलोचना की है। तो यह था हमारा मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवादी आलोचना। तो निश्चित रूप से आप इसे समझ गए होंगे, ये तीन मुख्य आलोचक थे मनोविश्लेषणवादी, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। यदि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।